गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रेजेंसी एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं मैं बताऊंगी जल्दी। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, तो गुड मॉर्निंग हो चुके हैं सुबह, और सुबह के हो रहे हैं 6:15 और जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी करना है, आप सब जानते हैं ये बात। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। सब्जी बनाने वाले हैं वो काबुली चना का है, तो प्याज वगैरह सब कट कर चुके हैं, तो मटर कट करना है एंड यहाँ तेल वगैरह डाल दिए, तो जा रहे हैं अभी जल्दी से बनाने। रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुके हैं इसलिए नहीं करेंगे। तो सब्जी रेडी है और नाश्ता भी कर चुके हैं सब लोग। मैं सारा काम ख़त्म कर रही हूँ किचन का, साफ सफाई, बर्तन, सब कुछ। अब जा रही हूँ नाश्ता करने एंड नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, सब कुछ आप लोग से। गाइस रेडी हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ रील्स बनाने और ड्रेस मैं फुल दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस है एंड लुक कैसा लग रहा है, सो कैसे लग रहे हैं बताइएगा। एंड ये सब कैसे छुपाने का कोशिश कर रहे हैं बट छुप ही नहीं रहा पूरा, ये जो माला वगैरह है, बट कैसे भी छुपा ही नहीं। तो गाइस कब से सोच रही हूँ क्या मिसिंग लग रहा है, मतलब एक होता है ना रेडी हूँ जल्दी जल्दी, फिर याद आया मैं बिंदी नहीं लगाई हूँ, तो इसलिए अभी बिंदी मैं ढूँढ रही हूँ। देख सकते हैं मेरे हेयर बैंड्स कलेक्शन बहुत सारे हैं, बिंदी देखती हूँ कौन सी लगाऊंगी मैं। तो ये वाली प्यारी लग रही है ना, तो यही लगाती हूँ। हमेशा मैं टेढ़ा ही बिंदी लगा लेती हूँ, हाँ अब ठीक है। चलिए अब बस दुपट्टे लूँगी और फिर देखिए मंगलसूत्र मैंने। तो गाइस आ गए हैं छत पे और धूप आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, बट फिर भी सोचे कि वीडियो लाएं। और ये देखिए ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस एक चीज़ था कि क्यों वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है अभी ब्लॉग्स, बिकॉज क्या है ना कि अचानक से ना मेरी स्टोरी इतना ज़्यादा फुल हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, शादी का वीडियो ये सब बहुत ज़्यादा फुल हो गया, और अचानक मेरा जो इंस्टाग्राम का जो ड्राफ्ट है वो सारा क्लियर हो गया। मैं बहुत सारा वीडियो बना के रखी थी रील्स वगैरह, तो क्या करूँ बहुत दुख हुआ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस थे। क्योंकि क्या होता है ना कि अच्छे अच्छे वीडियोस रह जाते हैं, लगता है कि अच्छा इस टाइम पर डालूँगी इस टाइम पर डालूँगी कर करके ना रह ही जाते हैं, तो इस चक्कर में सारा वीडियो मेरा उड़ गया। तो आज मैं शूट करूँगी उसके बाद डालूँगी वीडियोज़, एंड इसीलिए रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि स्टोरेज नहीं था, बट अब फिलहाल आ गया है तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग पे बने रही हैं, जा रही हूँ जल्दी जल्दी वीडियोस बना लेने, फ़ोटोशूट का वीडियो जाएगा इस ड्रेस से एंड हाँ और रील्स भी, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। सो देखिए इस ट्राइपॉड में मैं शूट करती हूँ, और अगर ट्राइपॉड में नहीं लेना हो, सिटिंग पोज वगैरह लेना हो, तो जैसे ये पिलर है ये सब पे करती हूँ। सो गाइस मतलब शूट कर चुके हैं वीडियोस एंड इतना ज़्यादा पसीना हो गया है, आप लोग देख सकते हैं बिंदी भी गिर चुका है, और मैं शूट भी कर ली और थक भी गई क्योंकि धूप में पता ही है कैसा मन हो जाता है, बट क्या करूँ। तो चलिए, और पोजेस बहुत अच्छे अच्छे आए हैं क्रिएटिव, एंड कुछ अलग पोजेस ट्राई की हूँ कि खूबसूरत लगे, एंड एडिटिंग से भी मैं उससे और अच्छा बनाऊँगी। तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग, और कहीं जाने का भी सोच रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ देखते रहिए ब्लॉग में, क्योंकि हस्बैंड है आज घर पे तो कुछ काम था, तो चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं, आप लोग साथ शेयर करेंगे। सो गाइज हम लोग जा रहे थे मार्केट, और यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे पेट्रोल लेने के लिए। एंड आप सबको पता है कि नवरात्रि आने वाला है और कल से ही स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए कुछ कुछ सामान लेना था तो नवरात्रि के लिए, इसलिए हम लोग जा रहे थे मार्केट। और मार्केट जो दिखाऊंगी आप लोग को देखिएगा, वहाँ अगर जमशेदपुर से जो होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं होंगे बता दूँ, वहाँ हर एक चीज़ मिलता है, मतलब जो चीज़ चाहिए हो वो हर एक, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो
उस मार्केट में ना मिलता हो, तो एक जगह जाओ और सब कुछ मिल जाए तो बहुत खुशी मिलता है। और ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़, अलग अलग तरीके का चीज़। और ये देखिए यहाँ पे मेला लगेगा दशहरा का, तो सब पंडाल रेडी होने के लिए मतलब बनाया जा रहा है ऐसा। और ये सब पंडाल मैं रेडी होने के बाद आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर अगर गई घूमने तो। तो देखिए मौसम बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, एंड बहुत मतलब ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और देखिए हम लोग वहाँ मार्केट के पास पहुँच गए हैं। यहाँ जाने के बाद पार्किंग के लिए मतलब लगता है पैसा 10 रुपीज़, तो जो जाएँ तो उन्हें मैं बता दूँ पहले ही, ये संजय मार्केट है। एंड यहाँ पे बहुत भीड़ था, सब लोग नवरात्रि का तैयारी कर रहे थे। और ऐसे भी अगर नवरात्रि नहीं होता तो भी यहाँ भीड़ रहता है, बट हमेशा से ज़्यादा भीड़ था आज। एंड गाइस यहाँ ना एक चीज़ था कि इस दिन जिस दिन हम लोग गए थे पता नहीं क्यों दुकान बहुत सारी बंद थी, और ऐसे हमेशा खुला रहता है, इस दिन बंद था, तो बहुत सारा चीज़ जो था नहीं मिला मेरा। तो यहाँ मैं लेस लेने के लिए गई थी, तो ये लेस का दुकान है और देख सकते हैं लोग बहुत हर एक तरह का लेस है यहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत। और मुझे लेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैं अक्सर लेती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ ज्वेलरी के दुकान जो होते हैं मतलब हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिल रहे थे। और चूड़ियाँ जो मतलब होती हैं बहुत सुंदर, मुझे एक चूड़ी लगा था, आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो गाइज थोड़ा कैमरा को मतलब वीडियो में जो हिल रहा है इग्नोर करिएगा, बिकॉज आपको पता है कि एक तो भीड़, ऊपर से अगर आप चलते हो तो थोड़ा कैमरा हिलने लगता है, तो वही हुआ। तो देखिए गाइज मैं इन्हीं चूड़ियों की बात कर रही थी, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब ऐसा मन भाता है ना चूड़ियों को लेकर कि लगता है कि सारे ले लूँ, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मेन बात यह है कि मेटल की तो चूड़ियाँ मतलब ये सब थे ही, बट जो कांच वाली चूड़ियाँ भी थी बहुत खूबसूरत थी यहाँ पे। सो देखिए बहुत सारे दुकान बंद थे, और मेन वहीं बंद थे जहाँ से मैं लेती हूँ। तो यहाँ भी चूड़ा कलेक्शन था, और यहाँ देखिए ड्रेसेस हर एक तरह के मिलते हैं। मतलब इस मार्केट में इन आप करोगे हर एक चीज़ मिलेगा, जैसे दिल्ली में होते हैं ना सदर बाज़ार सरोजनी बाज़ार, उस टाइप के यहाँ होलसेल में सारे कुछ मिलते हैं। देखिए बहुत सारी दुकानें बंद थी, पता नहीं क्यों बंद थी, क्योंकि नवरात्रि था तो खुला रहना चाहिए था, बट कोई वजह होगा बंद होने का, क्योंकि एक दो बंद रहता है तो चलता है, बहुत सारे बंद थे। हम लोग फिर ढूंढते ढूंढते जा रहे थे जो चीज़ लेना था, बट दुकानें बंद थी जहाँ जहाँ से हम लोग लेते हैं, और जो जो चीज़ लेना था वो मतलब वहाँ वहीं सब दुकानें बंद थी। बट कुछ कुछ ड्रेसेस एंड ये सब के दुकान जो थे वो खुले हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी मिल रहे थे, बहुत सुंदर, मतलब अगर मन करता है सारे ले लूँ, बट सारे तो नहीं ले सकती, बट लूँगी जल्दी ही, मैं सोच रही हूँ होम डेकोर करने के लिए तो लूँगी। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, मौसम बहुत सुंदर लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं बादल जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ रुके थे, रियल मी का ये कस्टमर केयर है, और
आप लोगों को बता दो क्यों ने मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि शूट करने के लिए दो मोबाइल चाहिए ही होंगे, एक से शूट करूँगी और एक में कमेंट रीड करूँगी इसके लिए। तो मेरी जो माँ है, सासू माँ, उनका जो फ़ोन था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए हम लोग बनाने दिए थे, तो यहाँ रुके थे लेने के लिए। तो जल्द ही लेके आऊँगी मैं क्यों ने वीडियो, इधर तो नहीं आ पाएगा बिकॉज़ नवरात्रि है तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होगा इसलिए, बट जल्द ही लेके आऊँगी। और मेरा फेस देख के नहीं लग रहा, बट मुझे इतनी प्यास लगी थी गाइज, इतनी ज़्यादा कि मैं उठने तक का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पानी ला के दिए थे, क्योंकि मैं वीडियो बनाई थी छत पर और उस समय से ही प्यास लगा था और मैं जल्दी जल्दी में निकल गई बाहर। और ऐसा लग रहा था ना जैसे गला सूख रहा है, मतलब एकदम आँख नहीं खुलेगा, इस टाइप का प्यास लग रहा था, बट मैं पानी पी तो मन ठीक हो गया। और इतनी धूप थी ना कि इस वजह से हो गई, और फिर कहीं छाँव कहीं धूप, इस तरीके का मौसम था। तो देखिए अभी छाँव है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए पंडाल तैयार हो रहा था दुर्गा पूजा के लिए, और यहाँ मेला लगता है बहुत सुंदर सा, आप लोग देख सकते हैं, पंडाल भी आधा अधूरा रेडी है एंड यहाँ पे जो झूले होते हैं वो सब भी लग रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेला लगेगा सुंदर सा, तो शेयर करूँगी अगर गई तो, और भीड़ हुआ तो नहीं ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दशहरा में कितना भीड़ होता है, घूमने लोग आते हैं तो भीड़ में ब्लॉगिंग संभव नहीं होता। सो इसलिए फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो हम लोग आ गए हैं घर, और ये देखिए हम लोग को देख के आ गई है। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा। अभी जा रहे हैं पापड़ छानने और हम खाना खाएंगे अभी, क्योंकि दोपहर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके। बाय।